हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं उसको। आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ था, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको एसएसटी का सारा वीडियोस प्रोवाइड कराने वाली हूँ और उसका सॉल्यूशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी। तो ये बैटल ऑफ प्लासी है, ये दो लोगों के बीच में हुई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का लीडरशिप रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और सिराजुद्दौला की आर्मी के बीच में हुआ था, तो सिराजुद्दौला उसका कर रहा था। ये हुआ था प्लासी में, जो कि कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में सिचुएटेड है। मीर जाफर जो कि नवाब बनना चाहता था, उसने अंग्रेज़ों से घूस ले रखा था, तो इसलिए इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने हथियार डाल दिए, हार मान ली। इससे क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव, वो आसानी से बैटल जीत गया। इस तरह से इसने घूस लेकर सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो इस प्रकार से ब्रिटिश जो है अपनी पोजीशन को बंगाल में और ज़्यादा मजबूत उसने किया, और उसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। जब सिराजुद्दौला का हार गया तो अब उसने इसको यही घूस दिया गया था कि तुम अगर हमारी हेल्प करोगे सिराजुद्दौला को हराने में तो तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा। तो जब युद्ध जीत गए तो इन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का, और बदले में मीर जाफर ने ब्रिटिश को 24 परगना, यानी कि इलाके होते हैं ये बंगाल के, 24 परगना इलाका, और बहुत सारा धन यानी बहुत सारा पैसा उसे गिफ्ट में दिया। बट मीर जाफर कुड नॉट फुलफिल द कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ द, लेकिन जो ब्रिटिश थे उनकी डिमांड इतनी ही नहीं थी, वे धीरे धीरे उनका लालच बढ़ता गया और उनकी डिमांड बढ़ती गई, जिससे कि मीर जाफर जो है वो उनकी लगातार बढ़ती हुई मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफर को हटाकर उसके जगह पर उसके सन इन लॉ यानी उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो जो ये मीर कासिम था जो अब नवाब बना, तो ये अंग्रेज़ों के हाथों ही कठपुतली नहीं था। तो इसने क्या किया, जो भी ट्रेड फैसिलिटीज़ थी ब्रिटिश लोगों को दी जाती थी, अब उसने वो इंडियंस को भी देना शुरू कर दिया, यानी दोनों को इक्वल ट्रेड फैसिलिटी उसने देना शुरू कर दिया। तो इससे जो ब्रिटिश है वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया मीर कासिम पे। तो मीर कासिम भाग गया, भाग करके अवध में, अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वहाँ पर जाकर उसने उसके पास जाकर शरण ली, और वहाँ पर पहले से ही मुग़ल एम्परर शाह आलम भी था जो कि भाग करके उसकी शरण में आया हुआ था। तो इस तरह से वहाँ पर अवध में तीन राजा मिले, एक बंगाल का मीर कासिम, मुग़ल एम्परर शाह आलम और अवध का सिराजुद्दौला। अब होता है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है। तो जो बैटल ऑफ बक्सर था ये बहुत ही इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल था, क्योंकि इसके बाद से अंग्रेज़ों का शासन, अब जो अंग्रेज़ों की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग हो जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो जीत है वो कॉलोनियल रूल की बंगाल प्रेसिडेंसी में, वो इस बैटल को जीतने के बाद और अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाती है, और पूरे इंडिया में जो उनका एक्सपेंशन था वो अब लगातार बढ़ता चला जाता है। तो मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, उसने ब्रिटिश के हाथों का पपेट बनने से इनकार कर दिया, और वह जो है वो बंगाल पे अपना पूरा कंट्रोल चाहता था। मीर कासिम वह अंग्रेज़ों का उसमें इंटरफेयर नहीं चाहता था, वो उस पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता था, इसलिए उसने ब्रिटिश के हाथों से की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। वह जो है सो यानी कि मीर कासिम, वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑफिशियल्स थे, कर्मचारी थे, उनकी बढ़ती हुई पावर को, ग्रोइंग पावर को वह रोकना चाहता था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये तो ब्रिटिश को बड़ा अच्छा नहीं लगा कि उनकी पावर्स को, बढ़ती पावर को रोका जाए, तो इससे उन दोनों के बीच में, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट हो गया, और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो ये बक्सर कहाँ पे, ये अब अभी के जो बिहार है वहाँ पर बक्सर है। द बैटल वाज फाउट बिटवीन, ये बैटल किसके बीच में लड़ा गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका हेड था उस समय मेजर हेक्टर मुनरो, उसके बीच वो एक साइड वो था, और दूसरी साइड थी मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड जो मुग़ल एम्परर था, और शुजाउद्दीन जो अवध का नवाब था, उनके बीच में। यानी एक साइड से तो ये तीन राजा थे
और एक साइड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था मेजर हेक्टर मुनरो। बक्सर में ये युद्ध हुआ। तो ये बैटल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। और इसके बाद से उसे इस बैटल में जीतने के बाद उसे वहाँ पर रूल करने का, बंगाल में रूल करने की पावर मिल गई और दीवानी की पावर। दीवानी क्या होता है कि जो बंगाल में जो 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 भी रिवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करने की पावर, यानी कि जितना भी टैक्स वगैरह आता है, कैश पैसा आता है, जो भी, वो सब कलेक्ट करने का पावर। तो ये बंगाल में जो रेवेन्यू कलेक्शन का पावर था अब उसे मिल गई कंपनी को। और बंगाल जिसमें उसमें बंगाल का एरिया काफ़ी बड़ा था, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। उसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इस तीनों को मिलाकर बंगाल ही कहा जाता था। बाद में इस ये टूट के अलग अलग स्टेट्स बने थे, बिहार और उड़ीसा। तो उड़ीसा जिसका कि जो कि पुराना नाम है, अब इसका जो नया नाम है वो है उड़ीसा। ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब इन्होंने देखो ये क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट की पॉलिसी लाई। तो इसमें क्या था, जो दीवानी कलेक्ट करने की जो पावर थी वो ब्रिटिश ने अपने पास रखी। इस ड्यूअल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसके अंतर्गत बंगाल में जो दीवानी कलेक्ट करने की का जो पावर था, अधिकार था, वो उसने अपने पास रखा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करने की जो पावर थी, प्रशासन देखरेख करने का, वो नवाब को दे दिया। तो इस प्रकार से कंपनी का पूरा कंट्रोल आर्मी, जुडिशरी और रेवेन्यू कलेक्शन जो था बंगाल का, इन तीनों चीज़ों पे हो गया। तो मेन सारी चीज़ें जो थी पावर वाली, पैसे वाली, वो सब तो कंपनी ने अपने कंट्रोल में रखी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का था जिससे कोई प्रॉफिट नहीं था, वो नवाब को दे दिया। तो इस तरह से ये ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में स्टार्ट हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट था इसने ब्रिटिश इसमें इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो पावर है वो काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिश का पावर तो बढ़ा ही, साथ ही ब्रिटिश को बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, यानी कि उसको अब इसमें इसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या है नहीं है, इसके प्रति उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बस उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। बट द जनरल पब्लिक सफर, लेकिन जो जनरल पब्लिक थे वो इससे परेशान थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन बंगाल फेमिनिन। तो बहुत सारे हज़ारों लोग बंगाल में सूखा पड़ा था 1770 में, तो उसमें मारे गए, लेकिन कंपनी ने इन पीड़ितों की कोई मदद नहीं की। और नवाब जो था उसके पास कोई रिसोर्स ही नहीं था, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखना था, उसके पास तो ना तो रेवेन्यू था, ना आर्मी थी, ना जुडिशरी थी, इसलिए वो लोगों की हेल्प नहीं कर सका। इन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और उसने ये ड्यूअल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर दिया, उसको वहीं पर बंद कर दिया और पूरे बंगाल पर उसने अपना कंट्रोल कर लिया। यानी कि अब नवाब भी नहीं रह गया था, जो पहले नाम मात्र के लिए नवाब था एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, वो भी अब नहीं रहा। अब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का, पूरे बंगाल का कंप्लीट गवर्नर बन गया और उसने ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इसे ख़त्म कर दिया। आगे है, डू यू नो द ब्रिटिश पास्ड द रेगुलेटिंग एक्ट। तो ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में, लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल थे उनका करप्शन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले ऑफिशियल्स थे वे बहुत ही करप्ट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज़्यादा घूस लेते थे, तो इसलिए वो अपना पर्सनल ट्रेड भी करने लगे थे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इन सब को रोकने के लिए, इसको इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था, लेकिन फिर भी जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके करप्शन को रोका नहीं जा सका। तो इसके बाद फिर से एक और एक्ट लाया गया 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया। अब इसमें क्या किया गया, तो इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेट किया गया, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया और इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया सुपरवाइजिंग करने के लिए। आगे है, एंग्लो मैसूर वार। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ मैसूर, यानी वोडियार डायनेस्टी थी एक 1760 में, वहाँ का राजा जो था मैसूर का राजा, उसकी डेथ हो गई 1760 में, वोडियार डायनेस्टी के राजा की। तो उसके बाद हैदर अली जो है वहाँ मैसूर का रूलर बना, उसने अपनी टेरिटरीज़ को काफ़ी एक्सटेंड किया, बेडनोर, सुंदर, सेरा, कैनरा एंड गुट्टी और साउथ इंडिया के भी बहुत सारे पार्ट्स तक उसने अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड किया। तो इस टाइम जो है वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसने उसको लगा कि इस तरह से हैदर अली की जो मैसूर नॉर्थ में और इधर मराठा की, नॉर्थ में मराठा की और इधर मैसूर में हैदर अली की जो शक्ति बढ़ते जा रही है, इससे उसको
काफ़ी नुकसान हो सकता है, ये उसके लिए काफ़ी मुसीबत बनी हुई थी। तो इसलिए फिर उसने क्या किया, मैसूर के साथ युद्ध करता है। तो कैसे स्टार्ट होता है चलिए देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है 1767 से 69 तक। हैदर अली गेंड सम सक्सेस इवन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ऑलमोस्ट कैप्चर मद्रास। तो हैदर अली ने काफ़ी सक्सेस ब्रिटिश के अगेंस्ट प्राप्त कर ली थी, पा ली थी, और लगभग मद्रास का पूरा एरिया उसने जो कि ब्रिटिश का था, ब्रिटिश कंट्रोल में था, उस पर अपना अधिकार कर लिया था। इन 1767 निज़ाम द मराठास एंड द इंग्लिश मेड अ ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट हैदर अली ऑफ मैसूर एज दे वर जेलस ऑफ हिज इंक्रीजिंग पावर। तो अब क्या होता है, जब वो ये अपना हैदर अली अपना जो साम्राज्य है, टेरिटरीज है, उसे इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा होता है, उसकी शक्ति इतनी बढ़ते चली जाती है, इसे देख करके ये ब्रिटिश हैं इन्हें काफ़ी डर हो जाता है कि कहीं उनके लिए नुकसान ना हो जाए। तो फिर 1767 में निज़ाम और मराठा और इंग्लिश ये तीनों ने मिलकर एक ट्रिपल अलायंस बनाया हैदर अली के अगेंस्ट, क्योंकि वे तीनों इसकी ये बढ़ती हुई पावर से बहुत ही जेलस थे। लेकिन हैदर अली ने इन इंग्लिश को उनके ही गेम में हरा दिया। हैदर जिस तरह से इंग्लिश ने निज़ाम और मराठास को अपने लालच देके अपने पास मिला लिया था और हैदर अली पे अटैक करने चला गया था, तो अब इसने इसी का गेम को हैदर अली ने चला और उसने भी पीस शांति का समझौता करके मराठास के साथ और निज़ाम के साथ और अपने एरिया के कुछ पार्ट्स जो है वो उन्हें दे करके उन्हें अपने साइड मिला लिया, और उसके बाद इसने आरकोट पर अटैक कर दिया। तो इससे ब्रिटिश बहुत ही शॉक्ड हो गए और उन्हें बहुत ही हैवी लॉस हुआ था, और उसके बाद उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी पीस एंड म्यूचुअल हेल्प की विद हैदर अली। हैदर अली के साथ उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी कि अब वे शांतिपूर्वक से रहेंगे और आपसी में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आपसी सहयोग से रहेंगे। उसके बाद होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1780 से 84 तक होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इंग्लिश थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो फ्रेंच का माही जो है वो मैसूर के वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये अटैक करना चाहते थे। लेकिन ये मैसूर से होकर के जाते, जो हैदर अली था वो मैसूर का रूलर था, तो उसने इन्हें इस बात की परमिशन नहीं दी कि वे यहाँ पर अटैक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो इंग्लिश थे उन्होंने हैदर अली के अगेंस्ट ही वार डिक्लेयर कर दिया, और उसके जो अलायंस थे निज़ाम और मराठास उनके अगेंस्ट भी। तो हैदर अली कैप्चर आरकोट, तो हैदर अली ने आरकोट पर को अपने कैप्चर में कर लिया और इंग्लिश आर्मी को हरा दिया। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने इनकी जो अलायंस थी इसको तोड़ दिया, जो निज़ाम और मराठा और हैदर अली तीनों मिले हुए थे। तो इसके बाद भी हैदर अली ने इनका जो अलायंस था टूट गया, जो इनका निज़ाम और मराठा से जो दोस्ती थी हैदर अली की, वो इन्होंने इसने ब्रिटिश ने तोड़ दी। तो उसके बाद भी हैदर अली ने अकेले ही दम पे लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश को बहुत ही बुरी तरह से हराया, उनकी शक्ति को पूरी तरह से क्रश कर दिया। हैदर अली डाइड, उसके बाद हैदर अली जो है कुछ समय बाद फिर उसकी मौत हो जाती है, मर जाता है वो, और उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान राजा बनता है और वह इस युद्ध को कंटिन्यू रखता है ब्रिटिश के साथ। और काफ़ी लंबा चलने के बाद इस बैटल का कंक्लूड ये निकलता है कि एक ट्रीटी होती है मंगलोर में, जो कि 1784 में होती है, और जिसमें दोनों पार्टियां ये डिसाइड करती है कि उन्होंने जितने भी जो भी एक दूसरे की टेरिटरीज को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है वो एक दूसरे को वापस कर देंगे, और एक दूसरे के जो कैदी उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं, युद्ध में बंदी बना दिए गए हैं जो लोग, उन्हें भी वे छोड़ देंगे। तो इस तरह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार ख़त्म हो जाता है। फिर होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1789 से 92 तक चलता है। टीपू सुल्तान अलाइड विद द फ्रेंच, क्योंकि टीपू सुल्तान फ्रेंच के साथ मिला हुआ था, क्योंकि वह जो अपने स्टेट के जो आसपास का एरिया था जैसे कि ट्रावणकोर, उसे उसने 1789 में उस पर अटैक कर दिया था। तो ये जो ट्रावणकोर था ये ब्रिटिश लोगों का सहयोगी था, तो इसलिए ब्रिटिश तो पहले से ही टीपू की पावर को क्रश करने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे, तो अब उन्हें ये बहाना मिल गया और उस पर अटैक करने का। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में फिर से वार स्टार्ट हो जाता है, और रिजल्ट ये होता है कि जो मैसूर है वो हार जाता है, यानी कि टीपू सुल्तान हार जाता है। तो जो ये वार है वो एंड हो जाता है और एक सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है 1792 में। टीपू को एक ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया जाता है, जो कि श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है। इसके अकॉर्डिंग मैसूर को अपना लगभग हाफ टेरिटरी
ब्रिटिश को सौंप देना पड़ता है, दे देना पड़ता है। और साथ ही टीपू सुल्तान जो थे, इनका नाम टीपू सुल्तान था, तो टीपू सुल्तान के दो बेटे भी वार हॉस्टेज के रूप में ब्रिटिश अपने पास बंदी बना करके रख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार का अंत हो जाता है। फिर होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1799 में होता है, जब लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया का गवर्नर जनरल बन के आता है 1798 में। देखिए, पहले तो ये एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद इन्होंने नवाब को एडमिनिस्ट्रेशन पावर दिया और ख़ुद सारा रेवेन्यू कलेक्शन का पावर रख करके बंगाल के शासन पे लगभग आधा अधिकार अपना कर लिया था। तो उसके बाद फिर उसको भी हटा करके ये बंगाल के गवर्नर बन गए। जब बंगाल के गवर्नर बन गए, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मद्रास और मुंबई, इन तो जो बंगाल का गवर्नर था, उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वो मद्रास और मुंबई का भी गवर्नर जनरल बन गया। और उसके बाद इनका एरिया जब और एक्सपेंड होते गया, तो अभी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब ये इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। तो इस तरह से लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, वो पहले इंडिया के गवर्नर जनरल बन के आए थे 1798 में। टीपू सुल्तान्स अलायंस विद द फ्रेंच वाज सीन एज ए थ्रेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने जो लॉर्ड वेलेस्ली आया था बनकर के 1798 में, उसने टीपू सुल्तान का फ्रेंच के साथ जो अलायंस था, उसकी दोस्ती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक खतरे के समान उसको दिखाई दे रहा था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैसूर वाज अटैक्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। तो उसने इस खतरे को देख लिया, इस खतरे को वो पहले ही समझ गया और उसने मैसूर पर अटैक कर दिया फोर साइड से। तो एक साइड तो हैदराबाद का निज़ाम और मराठा थे, जिन्होंने जो कि नॉर्थ साइड से उन्होंने अटैक किया था, और बाकी तीन साइड साउथ ईस्ट और वेस्ट से ब्रिटिश ने अटैक किया। और ब्रिटिश इस डिसीसिव विक्ट्री यानी कि निर्णायक जीत इसकी हुई श्रीरंगपट्टनम में 1799 में। और टीपू जो अपने सिटी की को डिफेंस कर रहा था, उसको डिफेंस करते हुए वह मारा गया। मच ऑफ द रिमेनिंग मैसूर टेरिटरीज, तो जो बाकी जो बचे हुए जो मैसूरियन टेरिटरी थी, मैसूर के इलाके थे, उन्हें ब्रिटिश ने, निज़ाम ने और मराठा ने उन्हें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, यानी कि आपस में बांट लिया कि इतना एरिया मेरा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा। तो इस तरह से हुए, उन्होंने मैसूर के एरिया को अपने में साम्राज्य में मिला लिया। और जो कुछ उसका साइड का एरिया बचा हुआ था, रिमेनिंग कोर था मैसूर के आसपास और श्रीरंगपट्टनम के आसपास, वो उन्होंने वहाँ का वोडियार डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, उनको वहाँ पे रूल करने के लिए छोड़ दिया। और इन्होंने 1947 तक यहाँ पे रूल किया, जो इंडियन प्रिंसेस थे वुडियर डायनेस्टी के, उन्होंने। तो इस तरह से ये फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का जो रूलिंग पावर था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो आगे है स्टूडेंट्स, देखिए एंग्लो मराठा वार्स। तो एंग्लो मराठा वार्स कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो मराठा थे, उनमें काफ़ी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वे आपस में ही काफ़ी उनके बीच में संघर्ष का माहौल था। तो और जो इंग्लिश थे, ब्रिटिश, वो उनका क्या एम्बिशन था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया को बढ़ाना। तो इस तरह से उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने का कोशिश किया, और फिर ब्रिटिश और मराठा के बीच वार होती है, जो कि 1775 से लेके 1818 तक चलती है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार्स होता है 1775 से 82 तक। तो ब्रिटिश जो थे, उन्होंने जो एस्पायरिंग पेशवा था रघुनाथ राव, उसके साथ एक अलायंस साइन की, और माधवराव जो सेकंड था उसके अगेंस्ट में, यानी दो थे, रघुनाथ राव और माधव राव। तो ब्रिटिश ने रघुनाथ राव का सपोर्ट किया, और जो मराठा सरदार थे, उन्होंने माधव राव का सपोर्ट किया। तो ब्रिटिश ने लगभग 2500 मैन यानी कि सिपाही रघुनाथ राव को प्रोवाइड कराए माधव राव के अगेंस्ट युद्ध लड़ने के लिए, और इसमें ये जीत जाते हैं। और उसके बाद रघुनाथ राव उसे सालसेट और बेसिन का एरिया देता है, और साथ ही ब्रोच और सूरत डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट का रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी जो राइट है, वो ब्रिटिश को दे देता है। तो इस प्रकार से इनके बीच एक ट्रीटी साइन होती है दोनों साइड्स के बीच में, यानी जो मराठा सरदार और माधव राव थे, और दूसरी साइड जो ब्रिटिश और रघुनाथ राव था। तो रघुनाथ राव जब जीत जाता है, तो इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है ब्रिटिश के बीच में और मराठास के बीच में 1782 में। और इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश है और मराठास हैं, ये 20 ईयर्स तक कोई वार नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, दोनों अपने अपने काम से मतलब रखेंगे, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो 20 ईयर्स तक तो चलता है, लेकिन उसके बाद फिर देखिए सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है 1803 से 1805 के बीच में। 1801 में मराठास में पेशवा शिप को लेकर के
काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया था कि कौन पेशवा बनेगा। पेशवा बाजीराव सेकंड जो था वो ब्रिटिश के साथ जाकर के मिल गया, उसके साथ उसने सब्सिडरी अलायंस बना ली, उसमें जाके शामिल हो गया। तो ब्रिटिश ने उसको जो सेकंड अपोजिट था उसका पेशवा बाजीराव, एक साइड पेशवा बाजीराव था और दूसरी साइड जसवंत राव होलकर था, तो दोनों में से पेशवा कौन बने, तो इसको लेकर के मराठास में तो अब उसके बाद फिर 20 ईयर्स के बाद देखिए फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है जो कि 1803 से 05 तक चलता है। तो 1801 में मराठास में पेशवाशिप को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसमें फिर से पेशवा बनने के लिए कि कौन बनेगा, जिस तरह से उस अभी हमने फर्स्ट में देखा था रघुनाथ राव और माधव राव के बीच में होता, तो उसी तरह से यहाँ पर अब बाजीराव सेकंड और जसवंत राव होलकर के बीच में होता है। तो जो बाजीराव सेकंड होता है वह ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस बना लेता है उसका साथ पाने के लिए, और बदले में ब्रिटिश जो है उसे जसवंत राव के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो ब्रिटिश सेना जो है वो जसवंत राव होलकर को की सेना को पूरी खदेड़ देती है, मार के भगा देती है, हरा देती है उसे। तो उसके बाद पेशवा बाजीराव जो है एक ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन करता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो मराठा चीफ थे, क्योंकि जो पेशवा बाजीराव होता है ये ब्रिटिश के साथ जाके मिल जाता है और उसके साथ एक ट्रीटी साइन करता है, जो मराठा सरदार थे जैसे कि सिंधिया और भोसले वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, जब विरोध करते हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है कि एंग्लो मराठा वार्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है 1803 में। एंग्लो यानी कि जो ब्रिटिश होते हैं वो और मराठा, इनके बीच में वार स्टार्ट हो जाता है 1803 में। तो जो मराठा चीफ थे वो अपने अपनी को यूनिफाई करने में या अपनी एकता को बनाए रखने में फेल हो जाते हैं, और जो ब्रिटिश आर्मी होती है जो कि वेल इक्विप्ड और डिसिप्लिन होती है वो उसे मराठा चीफ को हरा देती है। उसके बाद भोसले और सिंधिया को एक साइन ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया जाता है, जैसा कि हर वार के बाद होता है ट्रीटी साइन किया जाता है। तो इसमें जब भोसले और सिंधिया थे वे हार जाते हैं तो उन्हें ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी टेरिटरी का एक बहुत लार्ज पार्ट जो है वो ब्रिटिश को हैंड ओवर करना पड़ता है। और आगे है देखिए डू यू नो में, तो सब्सिडरी अलायंस इसमें कहा गया, सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताया गया। तो सब्सिडरी अलायंस क्या होती है, सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिश की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि वो इंडियन रूलर्स को मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि सैनिक सहायता देते हैं, और बदले में वह क्या कहते हैं कि इंडियन रूलर्स जो हैं उस आर्मी की मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा है वो इंडियन शासक उठाते थे। तो इस तरह से ब्रिटिश की सेना उनकी ही रहती थी, उन्हें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता था, और ज़रूरत पड़ने पर वह इंडियन रूलर्स की सहायता करते थे और अपना एरिया भी उसका फ़ायदा उठा करके अपना एरिया भी बढ़ा लेते थे। तो इस तरह से वे उन्हें धीरे धीरे वो क्या है कि वहाँ का एरिया वो कैप्चर करते चले जाते थे। तो ब्रिटिश रेजिडेंस जो है, यानी कि ब्रिटिश जो होते थे उनके कुछ लोग हमेशा जो है उस शासक के कोर्ट में रहते थे, इंडियन रूलर्स जो थे उनके कोर्ट में हमेशा रहते थे, जहाँ पर वे मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कराते थे, और वो ये क्या करके रहते थे कि हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे आपके दरबार में रहते हैं ताकि आपके ऊपर कोई दूसरा शासक जो है वो अटैक ना करे या कुछ प्रॉब्लम ना हो, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम रहते हैं। लेकिन उनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि वहाँ से उस एरिया से जो और भी यूरोपियन पावर्स थे उसको दूर रखना, जैसे कि और भी यूरोपियन पावर्स थी, फ्रेंच थी, स्पेनिश थी, उन सबको दूर रखने का उनका मेन पर्पस था। लेकिन वे कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है, तो पेशवा बाजीराव जो कि अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बना था, अब उसे ब्रिटिश के अंडर रह करके सबऑर्डिनेट पोजीशन यानी कि उसके अधीन रह करके काम करना पसंद नहीं था, उसके अधीन रह करके जो पोजीशन थी उसके अंदर की हेड जो था ब्रिटिश था उसके अकॉर्डिंग उसको करना पड़ता था, तो ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसने दोबारा से अब मराठा चीफ को यूनाइट करने की कोशिश की ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन वह इसमें फेल हो जाता है और उसके बाद उसे सरेंडर करने के लिए फोर्स कर दिया जाता है, और ब्रिटिश क्या करते हैं अब जो पेशवा की पोजीशन थी उसे ही ख़त्म कर देते हैं, और मराठास का किंगडम जो है वो अब एक बहुत छोटे एरिया सतारा तक ही लिमिटेड रह जाता है, और इस प्रकार से जो मराठा है माइटी पावर मराठा जो थी वो अब ख़त्म हो जाती है। 1814 से 1826 के बीच में ब्रिटिश ने कई सारी लड़ाइयां लड़ी गोरखास के जो नॉर्थ में गोरखास के अगेंस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बर्मीज़ के अगेंस्ट, और इस प्रकार से उन्होंने उनके साथ कई सारी पीस ट्रीटीज़ यानी शांति की ट्रीटीज़ भी साइन करी। ये तो था मराठास का। अब देखते हैं सिख का।
एंग्लो सिख वार। अब सिख लोगों के साथ उनका वार कैसे होता है ब्रिटिश का, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है वो 1845 से 46 तक चलता है। इस समय में सिख की पावर जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी कि पंजाब में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जो कि ब्रिटिश के लिए खतरा बन सकता था आगे जा करके। तो उन्होंने क्या किया, उस समय जो वहाँ के महाराजा थे महाराजा रंजीत सिंह, उसके साथ एक पीस ट्रीटी साइन की ताकि वह उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोक सके। लेकिन उसकी डेथ के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो फिर सिख के बीच में ही बहुत ज़्यादा आपस में ही उनके बीच में झगड़े शुरू हो गए राजा बनने के लिए कि कौन राजा बनेगा। सिख ने एक बहुत ही स्ट्रांग आर्मी ब्रिटिश और अफगान के आक्रमण के खिलाफ बना रखी थी, और तो जब ब्रिटिश ने उन पर अटैक किया तो जो उनकी यूनाइट फोर्स थी पंजाब की हिंदू जिसमें कि हिंदू मुस्लिम और सिख सभी शामिल थे, उन्होंने ह्यूज ब्रिटिश आर्मी यानी कि बहुत बड़ी विशाल ब्रिटिश आर्मी का बहुत बहादुरी से सामना किया। लेकिन जो उनका प्राइम मिनिस्टर था लाल बहादुर सिंह और कमांडर तेज सिंह था, ये देशद्रोही निकले जाकर के अंग्रेज ब्रिटिश से मिल गए और इस कारण से पंजाब की आर्मी हार गई। देवर फोर्स टू उसके बाद उन्हें ट्रीटी साइन करने के लिए लाहौर की ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एंग्लो वार के बाद कौन सी ट्रीटी साइन की गई, तो लाहौर की ट्रीटी। ये हर वार के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई और उसमें क्या 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 काम हुआ इसको याद रखना होगा। जो ब्रिटिश है उन्होंने जालंधर दुआब का एरिया जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। दुआब कैसा एरिया होता है, जो दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसको दुआब कहा जाता है, क्योंकि जो दो नदियां जा रही होती हैं उसके बीच का जो एरिया होता है मैदान वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसके कारण से वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन उस एरिया से होता है। तो इसको ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया और जो जम्मू और कश्मीर का एरिया था उसे राजा गुलाब सिंह डोगरा को हैंड ओवर कर दिया वहाँ पर शासन करने के लिए। अब नेक्स्ट होता है सेकंड एंग्लो सिख वार, जो कि 1848 में स्टार्ट होता है और 49 में एंड होता है। तो ब्रिटिश पंजाब पर सिख किंगडम को ख़त्म करके कंप्लीट कंट्रोल पाना चाहते थे, तो इसके लिए उनको कोई बहाना चाहिए था कि दोबारा वो अटैक कर सके। तो इसके लिए उनको एक बहुत ही इमीडिएट कॉज मिला वार स्टार्ट करने का, वो क्या था कि लाल सिंह जो था देशद्रोही उसको एक्साइल कर दिया गया, उस पर ये चार्ज लगा कर कि षड्यंत्र का चार्ज लगा करके उस पर उसको एक्साइल कर दिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी जो कि एक बहुत बड़ा एनेक्सेशन था यानी कि दूसरे कंट्री को दूसरे के इलाके को अपने टेरिटरी में मिला लेने वाला, तो इस तरह का ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह का ये काम करता था। तो उसने पंजाब पर अटैक किया और उसके बाद उसको जीत लिया और उसे ब्रिटिश इंडिया में 1849 को मिला लिया उसके पार्ट को पूरा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ने अपनी पावर को बढ़ाते चले गए, कंसोलिडेट करते गए, मजबूत बनाते गए और इंडियन प्रिंसेस जो थे उनकी पावर्स को लिमिटेड करते गए और अपनी एक बहुत इंडिया में अपनी एक बहुत ही स्ट्रांग आर्मी उन्होंने बना ली। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस इस चैप्टर में हमने ये समझा कि किस तरह से वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी और धीरे धीरे आते आते इन्होंने किस तरह से अपना बहुत ही एक स्ट्रांग आर्मी बना लिया और बहुत सारे स्टेट्स को ये अपने अंडर लेते चले गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please share this video and like and comment.